लोग लाइफ में सुख पाने की लाखों प्रयास करते हैं, बट अनेक प्रयासों के बाद भी मनचाहत सुख नहीं मिलते और लोग समझ नहीं पाते क्यों ऐसा हुआ। उसके प्रयास शुभ थे, मन पवित्र था, उसका मनसा उचित थी, फिर क्यों उसे सुख नहीं मिला? उसका कारण है आपके आसपास के लोग, आपके साथी। आधी बात हम इसलिए दुखी होते हैं कि हम दुर्जनों से आशा रखते हैं, और आधी बात हम इसलिए दुखी होते हैं कि हम सज्जनों से संदेह करते हैं। जिस दिन आपको ये ज्ञात हो जाएगा किस पर संदेह करना है और किस से आशा रखना है, उस दिन आपके लाइफ से दुख सदा के लिए निकल जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों मेरा मोल्ड है, तो सबसे पहले जो मेरा मोल्ड है इसकी हम जो है कंपोनेंट के ऊपर बात करेंगे। तो कंपोनेंट थोड़ा सा यूनिक है, जैसे आपको पता होंगे ये हॉटरना मोल्ड है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये मेरा कंपोनेंट है, कंपोनेंट जो है आपको पता है टॉयलेट की जो पेन होती है तो उसकी है। तो यहाँ पे कंपोनेंट सिंपल है बट बहुत बड़ा मोल्ड है। तो ऐसी इस टाइप की मोल्ड आप, जैसे आपके पास बहुत बड़ी मोल्ड आती है तो इसको आप कैसे डेवलप करोगे? तो यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले हम कभी भी कुछ पार्ट मिलती है ना तो हम इसके क्या रिव्यू करते हैं, उसकी पार्ट रिव्यू करते हैं, ठीक है? तो मेरा पार्ट जो है यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे दो तरीके से मैं इसको निकाल सकता हूँ। या मैं यहाँ पे लिप्टर लगाऊ इस साइड से, या मैं यहाँ पे स्लाइडर चलाऊ। तो लिप्टर मैं नहीं चलाऊंगा, इसमें मैं चलाऊंगा स्लाइडर। क्यों? क्योंकि लिप्टर में क्या होती है, जो भी अंडरकट होती है ना मैक्सिमम अंडरकट एरिया कवर नहीं हो पाती है, बट स्लाइडर में क्या होती है, स्लाइडर में आप मैक्सिमम कवर एरिया कवर कर सकते हो। दोनों में ये डिफरेंस है, अराउंड 34 mm आप लिप्टर में नहीं निकाल सकते हो। अगर डबल लिप्टर भी लगाओगे तो मोल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? तो डबल लिप्टर क्या होता है, मैं इसके भी क्लास लेता हूँ प्रैक्टिकल में, है ना? जो भी क्लास लिया है उसको पता है तो डबल लिप्टर के बारे में। तो ये तरीका होती है इसको निकालने का। तो आपने पता लग गया कि मेरा जो पार्ट है इसमें मेरे क्या चलने वाला है, ये स्लाइडर चलने वाला, ठीक है? बाकी कंपोनेंट में कैसे इजेक्ट करूंगा, इजेक्टर पेट वगैरह से भी इजेक्ट कर सकता हूँ, स्टिपर से भी इजेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूँ, इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ मैं पहले हॉटरना सिस्टम। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, मैंने जो हॉटरना सिस्टम है किस कंपनी का मैं यूज कर रहा हूँ और क्या मतलब कंपनी के बारे में क्या अच्छा है, ठीक है? योडो का है, आपको पता होगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में आऊंगा। फिर मैं इसकी गेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। गेट के मतलब देखो, हॉटरना सिस्टम तो है बट फिलहाल भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गेट जो है ना बाहर देते हैं। और ये जो गेट होती है दो तरीके से करते हैं हम, एक आता है हम एस गेट, एक करते हैं हम फैन गेट। और इसकी क्या एफिशिएंसी होती है, मटेरियल के ऊपर क्या डिपेंड करती है, कितना परसेंट रहना चाहिए, थिकनेस कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, क्या होती है इसकी फॉर्मूला हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट बोले तो यहाँ पे देखोगे दो इंसर्ट है, एक आपके क्या ब्लाइंड इंसर्ट है, एक आपका ट्रू इंसर्ट है। ये ट्रू इंसर्ट होगी, ये ब्लाइंड इंसर्ट होगी। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे इंसर्ट लगानी है, इस तरीके से हम बात करेंगे। नेक्स्ट केस में हम बात करेंगे इसके स्लाइडर के ऊपर। अब स्लाइडर जो लगाते हैं, देखो हर एक चीज हम स्टैंडर्ड लगाते हैं, ऐसे हवाबाजी में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी चीज हम हवाबाजी में बात नहीं करेंगे, हम सब चीजें स्टैंडर्ड में बात करूंगा। अब स्टैंडर्ड में मैं कैसे बात करूंगा, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा लाइब्रेरी से इंप्रूव करके, ठीक है? नेक्स्ट आपका आएंगे मोल्ड बेस के ऊपर, ठीक है? जैसे हम लोग ये आप देख पा रहे हो क्या है इस केस में, क्या है कूलिंग देख पा रहे हो यहाँ पे, आप कूलिंग कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना? कौन सी कूलिंग है ये आप देख पा रहे हो, ये अलग तरीके से कूलिंग है, बेसिकली बफल कूलिंग है। क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड, कितने का आपको इसकी कूलिंग निपल मंगवाना है, क्या उसकी फॉर्मेट होती है, कैसे मंगवाओगे, वीडियो में डिस्कस करने वाला है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमने पार्ट देख लिया इसकी, तो अभी सबसे पहले हम आते हैं हॉट रनर सिस्टम के ऊपर। तो हॉट रनर सिस्टम जो बेसिकली यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, योडो का यूज कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो इसकी जो लोकेशन है महाराष्ट्र में है, वसई इंडस्ट्रियल एरिया में, बहुत ही बढ़िया कंपनी है योडो। आपको एक बार मैं इसकी रनर सिस्टम दिखा देता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से इसकी रनर सिस्टम आती है, जो हॉट रनर सिस्टम होती है, यहाँ पे वायरिंग वगैरह होती है, ठीक है? ये आपका स्विच होती है, बाकी ये मैनिफोल्ड होगी, ये आपका नोजल होगी। तो ये बेसिकली इसकी जो हॉट रनर सिस्टम है बहुत ही बढ़िया होती है। इसकी पहली जो मुझे अच्छी लगती है, जो वेडो की मुझे अच्छा लगता है, सबसे पहले ये इसकी लीकेज प्रूफ होती है। इसमें कोई तरीके से आपको लीकेज होने की ना कोई मतलब सांसी नहीं है। और इसकी जो फ्लो होती है बहुत ही बैलेंस फ्लो होती है, ठीक है? ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। और जो इसकी जो साइकिल टाइम होता है ना, प्रोडक्शन साइकिल टाइम बहुत ही शॉर्ट होती है। तो ये तीन मुझे योडो की सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बेसिकली बाहर की मोल्ड है, मतलब दिल्ली का है नहीं फिलहाल, ये महाराष्ट्र की है जिसके लिए मैंने बनाया था। तो हमने इसका योडो का लगाया था क्योंकि वो कंपनी बसाई का ही था, बसाई इंडस्ट्री का था, ठीक है? तो ये आपको पता लग गया हॉट रनर सिस्टम के बारे में। अगर हॉट रनर सिस्टम के वीडियो सही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हो। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम बात करेंगे इसकी गेट के ऊपर, ठीक है?
लास्ट में मैं आपको इंसर्ट के ऊपर बनाऊंगा, इसके इंसर्ट के मैं पूरा वीडियो लूंगा। देखो यहाँ पे जो हमने मेटल यूज कर रखा हो कितना हार्डनेस है 48 to 50, ठीक है, इतना हम HRC का यूज कर रहे हैं, CAOR कम यूज कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मेरा जो मेटल है क्या है, मेरा PP है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेटल यूज कर रहा हूँ PP का। अब पता लगेंगे हम PP में हम ये वाले गेज यूज करते हैं। अब देखो सबसे पहले दोस्त थोड़ा सा समझने वाली बात है, सबसे बड़ा पंगा पड़ता है फ्लो की जहां पे आप ग्लास फिल यूज करते हो, पीसी में फ्लो का प्रॉब्लम आती है। तो पीसी के लिए हम जो मेटेरियल होती है ना, जो यहाँ पे हम शॉप यूज कर रहे हैं, तो पीसी अगर मान लो सीओर का जगह में मैं यहाँ पे पीसी यूज कर रहा हूँ, तो पीसी के लिए मैं अगर पार्ट ट्रांसपेरेंट है तो उस केस में मैं स्टारबैक्स यूज करूंगा। मैं अच्छी मेटेरियल की बात कर रहा हूँ, हाँ अच्छो 840 रुपीज पर किलो मेटेरियल की अभी करंट जो है, आपको पता है बहुत ही महंगा चल रहा है अभी, तो 1 किलो का 840 रुपये तो महंगा ये रेट है फिलहाल। तो अगर कॉस्टिंग वस्टिंग निकालने का है वो भी मैं सिखाता हूँ, कैसे कॉस्टिंग निकालना है, मेटल की अभी रेट क्या है, ठीक है, इस हिसाब से कॉस्टिंग निकालना है, इसकी बूम कैसे बनाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको स्टैंडर्ड दूंगा आपको सारा चीज़ें फॉर्मूला वगैरह के साथ। वहाँ पे आपको बीम किसी पार्टी के लिए कॉस्टिंग निकालना, वहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना होती है, तो इस तरीके से मैं सिखाता हूँ, बहुत ही ईजी कर देता हूँ, बहुत ही ईजी। आप देख पा रहे हो इस तरीके से जो मोल्ड है, जो ये मोल्ड आप देख पा रहे हो बहुत ही टिपिकल मोल्ड है, बट ये मेरा स्टूडेंट है जो बना लगा ये, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं जीरो से स्टार्टिंग करते हैं, पार्टिंग सरफेस पार्टिंग लाइन से हम स्टार्टिंग करते हैं, अप टू हॉट रनर मोल्ड इसमें हम कवर करते हैं। जो मेरे कोर्स है 1 महीने का भी कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, 2.5 महीने का कोर्स है, तो जो एडवांस कोर्स है वो बहुत ही डिटेल में है। कई बार हम गेट में बात कर रहे थे, तो गेट में क्या होते हैं देखो यहाँ पे अब देखोगे, जो मैंने गेट यहाँ पे लिया है इतने का लिया, अप्रोक्सीमेटली 80 का लिया हूँ मैं, ठीक है 80 mm सुराई, ठीक है, क्योंकि इतना बढ़िया आपका पार्ट जो है फिल करना है। और इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, अगर आपकी थिकनेस सही नहीं रहेगा तो इसमें बहुत ही गंदा आपको मिल जाएंगे फ्लो मार्क, समझते हो ना, तो फ्लो को आपको इलेमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 3 mm का यूज कराऊ, एक बार मैं आपको इसमें क्लियरिफाई कर देता हूँ, ठीक है, इसको हटा के हम जो है 3 mm का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 mm का है, तो इतना फ्लो है पीपी में, सबसे पंगा पड़ता है पीपी में फ्लैश की है ना, तो फ्लैश फट जाती है पीपी में, क्योंकि बड़ा पार्ट है, इसको फिलिंग करने में मेरे को दिक्कत आएगी डेफिनेटली, इसलिए मैं हॉट रनर मोल्ड यूज कराऊ कि मेरे को फिलिंग में दिक्कत ना आए। अगर मैं इसमें कोल्ड रनर सिस्टम यूज करता ना तो मेरे को फिलिंग में इशू आता, इसके चक्कर में ज्यादा पैकिंग में चला जाता, इसके में हाई प्रेशर में चला जाता, तो कोने कोने में ना पीपी में फ्लैश बढ़ जाएगा, ये पार्ट की प्रॉब्लम टू है पीपी में, मानता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक जो है कूलिंग के ऊपर, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसकी कूलिंग देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट यू कर दिया मैंने इसको, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल बी। अब मैं इसके अगर लेयर दिखाता हूँ आपको, जो मेरा कूलिंग की लेयर है, तो ये मेरा कूलिंग है, ठीक है, तो ये आप देखोगे तो ये मेरा कूलिंग की क्या है, कैसे कूलिंग होना यहाँ पे देख पा, इसको बोलते हैं हम बफिल कूलिंग, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड होती है, जो मैं बफिल यूज करता हूँ, ठीक है, याद रखना, जो मैं फेलू बोल रहा हूँ ना वो फेलू आपको याद रखना है, जो मैं बफिल यूज करता हूँ, ये जो बफिल है ना ये होता है आपकी 14 का, ये जो होता है 16 का स्टैंडर्ड मिलती है, ठीक है। अभी आप मुझे बोलोगे सर आपने स्टैंडर्ड कैसे ले लिया, इसके लिए आपको सही है लाइब्रेरी, ठीक है, बिना लाइब्रेरी के कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, लाइब्रेरी सही है आपको। अब लाइब्रेरी में भी बहुत कुछ चीज़ें ठोल होती है, कैसे कहाँ पे यूज़ करना है बहुत लोगों को नहीं पता, कैसे यूज़ करना है मैं बताऊंगा अभी स्लाइडर वाले केस में, ठीक है। अब ये सब के ना डिटेलिंग देना पड़ेगा आपको, ऐसे आप कूलिंग बना के हवाबाजी में नहीं कर पाओगे, कूलिंग की डिटेल देना पड़ेगा। अब डिटेल कैसे होती है, मैं डिटेल कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, एक जब भी मोल बनाते हो ना इसके आपको डिटेलिंग करना पड़ता है। देखो ये मेरा मोल्ड है, ये मेरा क्या मोल्ड है, कैप मोल्ड है, कैप की मोल्ड है ना, ठीक है, ये मेरा कैप है, ये मेरा कौन सी है, 3+ मोल्ड है, स्क्रू प्लेट है ये, ये जो मेरा मोल्ड है बेसिकली इसमें मैं हर जगह का डिटेल कर रखा हूँ। ये मेरा फ्रंट प्लेट है ना, स्टीपर रनर प्लेट है, 3 प्लेट रिजेक्शन के लिए होती है, केवीटी और प्लेट है, केवीटी प्लेट है, स्टीपर प्लेट है, तो ये मेरा पूरा जो मोल्ड है मैं इसको बना रखा हूँ। यहाँ पे आपको वायर कट का भी डिटेल मिल जाएंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे EDM का भी डिटेल मिल जाएंगे, EDM के 2D भी मिल जाएंगे, हर एक चीज़ें मिल जाएंगे। अगर आप कैप एंड एनक्लोजर की बात करोगे, देखो मैं जो क्लासेस लेता हूँ इसमें ऑटो वॉइल का भी मोल्ड कराऊंगा, जिसमें मैं बहुत EMC कंपनी का मोल्ड कराता हूँ,
ठीक है, दो मिल रहा था ऑटोमोबाइल की, इसमें हमें आपको हाउस वेल में मिलेंगे, इसमें आपको ऑटोमोबाइल की तो मैं आपको बोल ही दिया, इलेक्ट्रिकल मिलेंगे, कैप एंड एनक्लोजर की मेरे को सभी मूल मिलेंगे, सिंगल सीटीसी मूल से, डबल सीटीसी मूल से, ये सब चीजें मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है विद डिटेल, ऐसे आपको हर एक चीज का डिटेल मिलेंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ टेक्निकली, ठीक नहीं, ऐसे हवाबाजी में बात नहीं करता, ठीक है, हर एक चीज क्या सही, आपको सब चीजें का डिटेल मिलेंगे, हर एक प्लेट की कहीं पे गलती होने की गुंजाइश ही नहीं, इतना डिटेलिंग करूंगा, 2D+3D, ठीक है, ठीक है। तो ये होगी डिटेलिंग, इस तरीके से हम डिटेलिंग करते हैं एक मोल्ड की। अब ये कौन सी मोल्ड है, ये ऑयल कैप होती है ना, ऑयल कैप, ऑयल कैप बोले तो जैसे आप बाइक चलाते हो, बाइक के ऊपर कौन सी कैप आती है, ये कैप आती है ना, ये कैप की मोल्ड है, कितने डायमीटर है, 44 का, ठीक है। तो ये टाई बार डिस्टेंस कितने टन में चलानी है क्या नहीं है, इसमें भी ये भी देना पड़ता है, देखो टाई बार कितना है, पार्टिकल सब देना पड़ता है आपको, टाई बार डिस्टेंस वगैरह कि कितना टन में चलाएगा पता होना चाहिए ना आपको, मोल साइज क्या आ रही है, कितना होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आपको डिटेलिंग में बता दिया हूँ। तो ये मेरे कूलिंग की, कूलिंग का भी डिटेल दे रखा हूँ मैं यहाँ पे, देखोगे ना कूलिंग का भी डिटेल है आपको, हर एक चीज का डिटेल दे रखा हूँ, कहाँ से कूलिंग लगानी है, कितना डिस्टेंस है, कितने का लगा रखा हूँ, निपल कौन सी देना है, 1/4 BHP का निपल लगा रहा हूँ, क्या निपल लगा रहा हूँ, सब डिटेल मिलेगा आपको, कहीं पे आपको माथा खानी नहीं करता, अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी देख लेगा ना वो भी बना लेगा, इतना डिटेल देता हूँ, ठीक है। चलो समझ गया आपने, अब एक काम करता हूँ मैं, जो मेरा 19 की कूलिंग है इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं ठीक है, और एक तो आपका मैं दूसरा कूलिंग दिखा देता हूँ, पहले मैं आपकी सारा पार्ट ले आता हूँ, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसको भी ले आते हैं, इसको भी ले आते हैं, सारा मोल्ड को हम शो कर लेते हैं, क्लियर है। तो हमने सारा मोल्ड जो है मैं ले आ रहा था एक बार, क्योंकि फाइल बहुत ही हैवी है। अब देख पा रहे हो ये जो मेरा मोल्ड है, तो हमने क्या बात कर लिया, हमने गेटिंग के बारे में बात कर लिया, अभी हम बात करते हैं स्लाइडर के ऊपर। ऑलरेडी स्लाइडर की मैंने वीडियो बना रखा हो, जो भी स्टैंडर्ड में बात कर रहे हैं मोल्ड, अगर आपको मोल्ड बिजार्ड में करना है मोल्ड बिजार्ड में सिखा दूंगा, अगर आपको मैनुअल सीखना है मैनुअल सिखा दूंगा, दोनों का मेरा डिटेल कोर्स है, हर एक कोर्स का मैं 2 से 2.5 महीना लेता हूँ, एक एक मोल्ड बिजार्ड भी करोगे या मोल्ड मैनुअल भी करोगे, क्योंकि डिटेलिंग होता है, ठीक है। पैसा कमाने का बहुत तरीका है, लेकिन पैसा कमाओगे ना सही तरीके से पैसा कमाना है, ठीक है, मैं ये आपके लिए बता रहा हूँ, अगर जल्दी जल्दी भागोगे ना तो जल्दी थक भी जाओगे, ठीक है। तो लाइफ भी ऐसा है, अगर आप कहीं जगह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो सही टाइम पे सही जगह में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे, ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे, अगर आपका टाइम है आपके पास तो सही जगह इन्वेस्ट करो, सही लोगों के पास इन्वेस्ट करो, बहुत मैंने बहुत दिखा है कि लोग, ठीक है, देखा हूँ मैं, क्योंकि मैं एक जगह पे पहले ट्रेनिंग देता था, वहां पे मैं देखा हूँ बहुत लोग 5 से 6 साल लोग एक्सपीरियंस, मतलब उसको सीखना है, मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सिखाते तो नहीं है ना ढंग के, क्योंकि मैंने देखा हूँ, क्योंकि वहां पे बंदे ऐसे रखते हैं जो जिसकी सैलरी 15,000, 12,000, 20,000 रुपये, वो आपको क्या सीखेंगे, उसको एक्सपीरियंस थोड़ी ना है, प्रोडक्शन लाइन का क्या एक्सपीरियंस है उसको, वो बस बीटेक पास करके डिप्लोमा पास करके आपको सिखाने लग जाते हैं, आप नहीं सीख पाओगे ना उससे, क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे आप उससे, मैं ये सीख लूंगा, नहीं सीख पाओगे आप, एकदम रियलिटी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। भाई सीखना है ना, इंडस्ट्रियल बंदे से सीखो, प्रैक्टिकल सीख, जो चीजें सीखे वहां से सीख लो, ठीक है, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिखाओ, भाई साहब ट्रेंड हुआ, किसी के बारे में बुरा नहीं करना, ठीक है। तो एक चीज है, देखो जो भी डिजाइन बनाओगे ना प्रोडक्शन के हिसाब से बनानी है, कि वहां पे प्रोडक्शन हो, ठीक है। देखो एक चीज आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ, एक एक एरोप्लेन होती है ना, उसकी 50% जो इसकी फ्यूल होती है ना वो उठने उड़ने में लग जाती है, मतलब जैसे प्लेन टेक ऑफ करते हैं ना, जैसे उड़ते हैं ना, 50% फ्यूल वहीं पे ले लेते हैं, तो आपकी लाइफ भी ना वैसे ही होती है। अगर आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होती है स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होंगी, बहुत आपको दुविधा होंगे, लेकिन वो टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बाकी तो लाइफ, बाकी जैसे फ्लाइट ऊपर उड़ती है ना ऊपर में, इतना इंधन नहीं खाते, तो लाइफ ऐसे ही है, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होंगे, आपको करना पड़ेगा, आप सही जगह में इन्वेस्ट करोगे, सही जगह में करोगे, आपका लाइफ भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम आप बात करते हैं इंसर्ट के ऊपर, ठीक है। सो स्लाइडर के भाव, सॉरी मैं स्लाइडर के बारे में बात करने वाला था, तो आप देख पा रहे हो ये जो स्लाइडर है, ये मेरा, इसको बोलते हैं हिल ब्लॉक, इसको बोलते हैं हम टी, इसको गाइड करने में काम आता है, ठीक है। तो ये टी है, और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं हम वर प्लेट, और ये जो होते हैं एंगुलर पिन, ये होता है स्लाइडर ब्लॉक, जिसमें हम इसको माउंट करके यहाँ से बोल्टिंग करते हैं, ठीक है। या देखोगे आप यहाँ पे बोल्टिंग हो रखा है, लाइक ठीक है।
अभी चीजों को समझो। अब मैं ये जो चीज यूज कर रहा हूँ ये मैं कहाँ से आ रहा है, मेरे को हवा में थोड़ी ना मैं बनाऊंगा। किसकी स्टैंडर्ड होती है ना, जिसने मेरा मोल बिजट की वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख ले पहले, मोल बिजट की वीडियो, ठीक है बहुत काम आएगा। अब सुनो, यहाँ पे मैंने बोल्टिंग कर रखा हूँ, ठीक है ये आप कर लोगे। अब इसकी स्टैंडर्ड क्या होती है, कुछ तो स्टैंडर्ड होगा, ऐसे हवाबाजी में तो नहीं होती है। आपको कोई बहुत सारा मिल जाएगा यूट्यूब में, इसकी कैलकुलेशन ये होती है, थीटा ये होती है, वो होती है, भाई चलना सही है प्रैक्टिकली, ठीक है। इसकी भी यहाँ पे जो रेडियस होती है ना, इसका भी कुछ रीजन होती है, क्या होती है रीजन के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं देखो अभी हम जहाँ पे भी काम कर, अब देखो लोकल कंपनी में ना बना लगता है, लेकिन बाहर से ना हम ऑर्डर करते हैं, अपने पास इतना प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। प्रोडक्शन कंपनी में काम करोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे आप हर एक चीज़ें ना आपको बनाने नहीं पड़ते, वहाँ पे मंगवाते बाहर से। मान लो मैं कोई भी स्टैंडर्ड में, मान लो स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ किसी कंपनी का, तो मैं यहाँ पे, मेरे को एंगुलर पिन मंगवाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली जाऊँगा एंगुलर पिन पे, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, टी ब्लॉक चाहिए, लॉकिंग ब्लॉक चाहिए, एंगुलर कैम चाहिए, डॉगलेग चाहिए, जो भी चाहिए मैं, मुझे क्या लेना है, मुझे ना एंगुलर पिन लेना है। एंगुलर पिन एक तो रिटेनर, जिसको बोलते हैं हम, इसको करते हैं रिटेन बोलते हैं ना, और स्क्रू बोल्ट, ठीक है, जिसको हम एंगुलर पिन को लॉक करने के लिए काम आती है, ठीक है। अब मैं एंगुलर पिन ले रहा हूँ, अब मेरे को क्या स्टैंडर्ड टेप लेना है एंगुलर पिन, ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा देखो एंगुलर पिन आ गई, ये वाली एंगुलर पिन आ गई मेरा। अब मेरे को यहाँ पे देखना है मेरे को लेन कितना लेना है, इसकी कॉलर कितना लेना है, इसके ऊपर का टेपर कितना लेना है, एंगल, यहाँ पे मैं हर एक चीज महसूस करूंगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो आपको हर एक चीज यूज करना है, फिर मैं इसको 3D देखूंगा, मेरा जो जो मेरा कॉम्पोनेंट है उसको 3D में कैसा है। देखो मैं इसी तरीके से सिखाता हूँ, ठीक है, आवाज़ी नहीं करता हूँ, और जो भी करूंगा, जो भी चीज़ें ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है, कहाँ पे मिलेंगे, हर एक चीज़ें डिटेल में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, मेरे को फाइल चाहिए, मैंने इसको शूट कर लिया यहाँ पर, अभी मैंने कोई एन वगैरह कुछ नहीं रखा हूँ, तो मैं जो भी ऐसे सिलेक्ट करूंगा उस चीज़ को मैं यहाँ पे लेके इसके मैं फाइल निकाल लूंगा, जनरेट कर लूंगा। CD चाहिए, पैरासोल चाहिए, स्टेप चाहिए, XYZ मेरे को मिल जाएंगे, और उसकी जो उसको कोड है उसको कैसे ऑर्डर करना है, इसको ऑर्डर करने के लिए क्या कोड डलोगे, कैसे उसकी कोड जनरेट करना पड़ता है, क्या सारा चीज़ें, ठीक है। तो इस हिसाब से हम काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, आवाजी में काम नहीं होता है। कई बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड है, कैलकुलेशन है, नहीं, बहुत चीज़ें आपको बहुत लोग ना बेवो बनाते हैं, मत करो भरोसा किसी बंदे पे, खुद पे भरोसा रखो बस, ठीक है। अब देखो हम जो स्लाइडर है, ठीक है, कैसे काम करते हैं, एक बार मैं आपको रफली एक आइडिया दे देता हूँ। पहले इसकी मैं आपको एक सेक्शनिंग दिखाता हूँ, देखो अभी मेरा स्लाइडर पिन मैंने यहाँ पे है, लेकिन मैं इतना लंबा क्यों लिया हूँ, क्योंकि मेरा जो है डिस्टेंस है ना, मूवमेंट वो ज़्यादा है, तो मेरे को लेंथ ऑफ एंगेजमेंट मेरे को ज़्यादा रखना है। अब लेंथ ऑफ एंगेजमेंट में देखो यहाँ पे कुछ टॉलरेंस है ना, क्या है, कुछ रखना पड़ता है ना, ये होता है बेसिकली डिले ओपनिंग, क्या होती है डिले ओपनिंग। अगर इसको आप ज़्यादा रखोगे, आपकी जो भी स्लाइडर होगा ना उसमें होगा डिले, डिले मतलब जैसे इसको मैं 3 mm मूव करूंगा ना ऊपर की तरफ, जैसे मेरा ये ऊपर का जो मेरा कैविटी हाउसिंग है, जैसे कैविटी हाउसिंग मेरा ऊपर से ले जाएगा कैविटी इंसर्ट के साथ, तो ये क्या होगा, मान लो 3 mm में मेरा ये टच हो रहा है, मतलब 3 mm जो है ना मेरा डिले ओपनिंग हो गई, मतलब 3 mm बाद मेरा जो स्लाइडर है वो एंगेजमेंट होने लग जाएंगे। अगर डिले ओपनिंग के साथ वीडियो बनानी है तो मेरे को बता देना, मैं दिनों बहुत यूज़ करा हूँ डिले ओपनिंग ना, बहुत ही ज़्यादा यूज होती है बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे एंगेजमेंट कहाँ पे होंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट से इसके साथ से इसको 0-0 कर लेना पहले, तो ये डिले ओपनिंग को हटा लेना, ऊपर कर लेना, जितने भी 0-0 होगा, यहाँ से लेके ये मेरा होगा, इस लेंथ से लेके इस लेंथ को हॉरिजॉन्टली ये मेरा होगा इसकी मूवमेंट, फिर इसकी एंगल डिपेंड करता है, ठीक है, फिर इसका आपका एंगल डिसाइड करना पड़ेगा, ये तरीका आती है, तो तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने बोल्टिंग करके इसको मैं टाइट फिट कर दिया यहाँ पे, कि ये बाहर नहीं आएगी, तो ये तरीका होता है स्लाइडर चलाने का। स्लाइडर के ऊपर वीडियो सही ऑलरेडी बना रखा हो, जाके देख लो, अगर डिटेल वीडियो सही है, बहुत तरीका है स्लाइडर। आपको मैंने मेरे 2-3 पहले के क्लास देखोगे तो 3-4 तरीके से मैं 3-4 तरीके से मैं स्लाइडर चलाना सिखाया हूँ आपको, बहुत तरीका है आपको स्लाइडर के लिए, ठीक है। तो ये आपने समझ गया इसके जो कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं इंसर्ट के ऊपर, ठीक है, अब मेन चीज आती है इंसर्ट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही टाइम की मारा मारी है इस टाइम, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को बहुत चीज़ें मैं समझा पाऊँ, बहुत चीज़ें दे पाऊँ, है
ना। तो ये अब देखो कि इसमें मैं पहले जो इसकी कूलिंग समझा देता हूँ आपको। जैसे इंसर्ट लगाते हैं ना, बड़ा इंसर्ट, जो भी साइज बहुत बड़ा इंसर्ट होती है, जैसे ये आप देख पा रहे हो इसकी साइज बहुत बड़ा है, तो इस टाइप के इंसर्ट के लिए ना कूलिंग भी लगाना पड़ता है। क्योंकि देखो आप 200 200 का इंसर्ट लग रही है, 200 200 mm के इंसर्ट, तो कूलिंग तो लेना पड़ेगा आपको। तो अब मैंने क्या करा, देखो इंसर्ट काटना बहुत बड़ी बात नहीं, इंसर्ट में हमेशा रेडियस यूज करना है। रेडियस बड़ा, तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो लगभग जो है मैं यहाँ पे बहुत बड़ा रेडियस यूज करा हूँ, 12 का रेडियस यूज करा, मतलब 24 का कटर चलेगा यहाँ पे, आराम से मशीनिंग हो जाए। ठीक है, तो हमेशा कॉर्नर पे ना अच्छा रेडियस मारा करो, अच्छा रेडियस मारो कि आज इसको ना बैठाने में दिक्कत ना हो और इजीली मशीनिंग हो जाए। दूसरी चीज, इस वरी मोल्ड डेस्क के मुझे क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा। तो कूलिंग के लिए क्या किया मैंने, देखो एक 39 देखना पड़ेगा, मैंने कूलिंग कहाँ रखा है, खैर तो यहाँ पे मैंने कूलिंग कैसे कर दिया, यहाँ देखो यहाँ पे कूल इनलेट है, यहाँ से जो इसकी कोर हाउसिंग है ना, कोर हाउसिंग से ऐसे कूलिंग आएगी, यहाँ से एंट्री हुआ, मतलब ऐसे हाउसिंग से आया कूलिंग, इधर से एंट्री हुआ, ये ओरिंग है, ये ओरिंग है लीकेज ना होने के लिए, तो यहाँ पे एंट्री होके इधर से घूम के ऐसे घूम के यहाँ से निकल के इधर से निकल जाएगी, ये होगी कूलिंग। तो इंसर्ट में इस तरीके से कूलिंग कर सकते हो आप, क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, अब बात करते हैं हम कितने टाइप की इंसर्ट होती है। एक होते हैं ब्लाइंड इंसर्ट, कौन सी ब्लाइंड इंसर्ट, ये मेरा होगी ब्लाइंड इंसर्ट और ये मेरा होगी ट्रू इंसर्ट। ट्रू इंसर्ट मतलब आर पार रहेगा, ब्लाइंड मतलब हम ऊपर से डालेंगे। अब देखो जब भी कूलिंग करोगे ना, एक होता है डाउन मशीनिंग, ये होती है मेंटेनेंस, मोल मेंटेनेंस। मोल मेंटेनेंस बोले तो कोई अपने मोल बना दिया, उसमें कहीं पे कुछ साइज कम आ रहा है, आपने चेंज करा, फिर उसमें चेंज करा, मोल में कुछ रिपेयर करते ना, कुछ चीजें डैमेज हो जाती है, तो इसमें हम क्या बोलते, बाद में अपने को इंसर्ट डालना पड़ता है। तो उस केस के हिसाब से कूलिंग को हमेशा नीचे से एक सर्टेन वैल्यू में रखा करो, जैसे 20 22 23 26, ऐसा नहीं 20.5 20.7 20.8, वो गलत है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू मेंटेन करो और ऊपर से हमेशा कूलिंग को, जैसे मेरा ये वाली मैक्सिमम पॉइंट है ना, यहाँ से अगर कूलिंग रखूंगा ना मैं, लगभग 15 mm मिनिमम रखना है। क्यों? क्योंकि ऊपर से आपको इंसर्ट ठुकना पड़ सकता है कभी भी मोल मेंटेनेंस में। अगर आपने 10 mm डिस्टेंस में कूलिंग रख दिया, कल आपकी बस इंसर्ट लगाना पड़े तो वहां पे लीकेज की प्रॉब्लम आएंगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रख के बनाना है, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने इसको ऊपर से, अब भी दिखा रहा था, यहां से मैंने एक ब्लॉक लेके स्प्लिट कर दिया और एक सर्टेन डिस्टेंस में काट दिया मैंने इसको। ठीक है, कटने के बाद मैंने यहाँ पे देखो यार, 22 मिनट का वीडियो ऑलमोस्ट बन गया, स्टार्टिंग का भी उसक है, 30 मिनट का वीडियो बन गया। तो यार हफ्ते में बहुत कम टाइम मिलती है, क्योंकि मेरा अभी टाइम बहुत बिजी शेड्यूल है, ऑलरेडी मेरा 3 बैच चल रहा है। ठीक है, मोल्ड की अलग है, डाई की अलग है, रिवर्स इंजीनियरिंग की अलग है, तो सीन ऐसा चल रहा है कि कोशिश करता हूँ मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ। ठीक है, और तो जो लोग ऑलरेडी पेड करके ले रहे हैं उन लोग को तो मुझे तो केयर टेकर करना पड़ता है ना, है ना, क्योंकि वो लोग कुछ उम्मीद से ज्वाइन कराए और मुझे उस उनकी उम्मीदों में ना खरा उतरना है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा वीडियो वगैरह कम आ रहा है, कोशिश करूंगा मैं हर हफ्ते एक वीडियो डाल लूँ आप लोग के लिए, कुछ कुछ चीज़ें आपके दिमाग में ले पाओ, ऐसी चीज़ भी होती है, ये भी सोचना, तो मतलब जैसे हम मोल बनाते हैं ना, बहुत कुछ चीज़ें सोच समझ के बनाते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सोचता, मैं जो सोच के बना रहा हूँ वो चीज़ आपके दिमाग में खेले, कल आप काम करोगे तो एटलीस्ट वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। मोल मेंटेनेंस जो लोग अब ऑलरेडी प्रोडक्शन कंपनी में काम करते हैं उसको पता है मोल मेंटेनेंस करना, मतलब बहुत ही, मतलब बोल रहे थे ना हिंदी में, जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पसर है, तो ये भी ऐसा ही बसर है, ये बहुत आसान से जाने वाला है नहीं। तो ये सीरीज है। और ब्लाइंड इंसर्ट में क्या होता है, देखो यहाँ पे रेडियस है पार्ट में, तो हमने रेडियस रेडियस में वायर कट करवा दिया, यहाँ रेडियस रेडियस में देखोगे मैंने रेडियस रेडियस में वायर कट करवा दिया। ठीक है, ये जो है फेड सरफेस है, ठीक है, इसमें ज़्यादा वो मत दो आप, सरफेस फेड हो जाती है, तो ये रेडियस रेडियस में हमने वायर कट करवा दिया इसको, ट्रू वायर कट, पूरा वायर कट करवा दिया इधर से। ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया वायर कट, और यहाँ पे देखो वायर कट होने में क्या, नहीं तो आपको एक ईडीएम डालना पड़ता है यार, तो बिल्कुल। तो देखो पहली बात, यहाँ पे इतना नीचे तूल जाएगा नहीं और इतना पतला तूल चलेगा नहीं, तो इसको मैं वायर कट कर लिया, तो ये मैं एक इलेक्ट्रोड डाल लूंगा यहाँ पे, एक मैंने पूरा यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डाल लूंगा इतना सा एरिया में। ठीक है, और निचले में नीचे से जो इंसर्ट है इसको मैं आराम से मशीनिंग कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे आराम से मशीनिंग हो जाएगी, तो आपका कितना काम हो गया, इजी आपका का बहुत इजी हो गया ना। तो ये तरीका है। अब देखो
अब इसमें मेरे को ना काम प्रॉब्लम हो गई, तो मैं आप देख रहे हो रेड करके रखा हुआ, मतलब यहाँ पे मेरे को मशीनिंग होना है, रेड मतलब मशीनिंग, ब्लू होगा कहीं पे, अगर मान लो कहीं पुल में कहीं कंपनी में जाते हो एज ए बड़ी पोस्ट के लिए, मैं इन लोग के बोल रहा हूँ जो 4-5 साल एक्सपीरियंस बंदे हैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ब्लू देखोगे वेल्डिंग करना है मतलब वेल्डिंग होना है उधर, रेड देखोगे मतलब मशीनिंग होना है उसमें, ठीक है, यहाँ जो रेड है ना इसको मैं डाउन मशीनिंग कर चुका हूँ, ठीक है। अब एक बात करते हैं डाउन मशीनिंग होती क्या है, ठीक है, डाउन मशीनिंग क्या होती है, जिसको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, ठीक है। अगर इंटरेक्शन नहीं करोगे ना तो नहीं सीखोगे, इंटरेक्शन करना पड़ेगा आपको। डाउन मशीनिंग भी बहुत ही चीज़ें होती है, मोल जब बनाते हो बाद में मोल में रिपेयरिंग के लिए काम करना पड़ता है ना, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मोल बनाना आती है बाद में कैसे ठीक करना होगा, वो दिमाग में सोच के नहीं बनाओगे ना तो नहीं बन पाओगे मोल डिजाइनर। मोल बनाना ही नहीं होता है, उसमें फ्लो रुकना होती है, स्ट्रिंग मार्क रुकना होती है, वेल लाइन आती है, बर्न मार्क आती है, एयर बॉयच आती है, ये चीज़ें सिस्टम होती है जिसको आपको एलिमिनेट करना है, तभी आप सही मोल डिजाइनर का मतलब बोलोगे, आपको लोग बोलेंगे हाँ ये मोल सही बनाता है तभी बनेगा। ये चीज़ कैसे पता लगेगा आपको, मोल रिपेयरिंग मोल मेंटेनेंस करना आना चाहिए। मोल मेंटेनेंस मतलब ये नहीं कि स्क्रू बोल्ट खोल लिया उसको लगा लिया, ये मेंटेनेंस नहीं होता है, डिजाइन की बात कर रहा हूँ मैं कि हाँ इंच कैसे डालना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये तरीका होता है, ठीक है, समझ में आए। चलो तो ये तरीके से आपको लगाना है, जैसे ब्लाइंड में क्या होते हैं हम बोल्टिंग लगा रहे, जैसे मैं यहाँ पे देखो ये मेरा एरिया है, ये मेरा क्या है मैचिंग एरिया, मतलब मेरा प्रोडक्ट है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने बोल्टिंग नहीं करा, बाहर बाहर बोल्ट कर दिया। अगर मेरे को इतने में लगाना होता तो मैं इसमें नीचे से बोल्टिंग कर देता, तो इसमें ऊपर से बोल्टिंग कर दिया, यहाँ पे मैंने M1 की 4 बोल्टिंग करवा लिया, तो बहुत बढ़िया से टिक जाएगा इसको। अब जैसे मेरा ये एरिया है तो इसमें मेरा अगर शू है, अब तो मैं इसमें बोल्टिंग तो नहीं कर सकता हूँ ना, तो इस केस में मैं बोल्टिंग कहाँ से करूँगा, कैविटी हाउसिंग से बोल्टिंग करूँगा, ये मेरा कैविटी हाउसिंग है, तो यहाँ पे देखोगे अब मैंने को यहाँ पे कौन सी हाउसिंग करा, कैविटी हाउसिंग में बोल्टिंग, देखो ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हमने 2 बोल्ट से इसको बोल्टिंग कर दिया। तो इस जब थ्रू इंचर होती है ना, इसमें आपको नीचे से बोल्टिंग करना पड़ेगा, और इसमें आपको देखना पड़ेगा कूलिंग कैसे लगा, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैं कूलिंग लगाई इंचर के लिए ना, इधर से इन हुआ, जैसे यहाँ पे है ना देखो आउट है, ये इन है, इधर से इन है, तो इन हुआ, इधर से इन हुआ, यहाँ से इन हो गया, कूलिंग यहाँ पे घुमा, फिर ऐसे घूम के इधर से निकल के निकल गया, तो ये हो रहा तरीका। और ये होते हैं बफेट कूलिंग, बफेट कूलिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पे इन है, ये आउट है, देखो यहाँ पे इन है, तो इन है, ये मेरे को जेड लगा दिया यहाँ पे, यहाँ से मेरा कूलिंग इन हुआ, होने के बाद इधर से मेरे एंट्री हुआ, ऐसे वफेल वफेल कूलिंग में होगा, ऐसे कूलिंग होके ये चीज जो है देखोगे इधर से होके यहाँ पे ये चीजें जो ऐसे घूम के निकल जाएगा, फिर इसे नीचे से मैं कनेक्ट करूंगा, तो ये कूलिंग का तरीका, ये सब ना सोच चीजें सोच सोच के बनाना पड़ता है, इसमें लगती है टाइम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। और एक चीज है, जैसे हम ये 48 HRC का ले रहे, अलग अलग मेटल का अलग अलग हार्डनेस होती है। और रही बात कॉस्टिंग निकलने के लिए, अभी बात करूंगा मैं, जैसे मैं पीसी की बात कर रहा था है ना, पीसी में हम मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट पार्ट के, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होती है उसके लिए हम स्टारबैक लगाते हैं, जैसे अभी आ रहा है 840 रुपये, जैसे मेरे अभी EN31 है, EN31 का मेरा कितना प्राइस है, 105 रुपये का आ रही है आज के टाइम में, आज के टाइम मतलब 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 की, तो महंगा है। तो वो कैसे निकालते हो, कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, एक वो मैं सिखाता हूँ, वो भी सिखाता हूँ, वो कैसे सिखाता हूँ मैं, उसके लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ। अगर राउंड ऑब्जेक्ट है उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, उसकी भी फॉर्मूला होती है, तो वो फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको अलग से एक्सेल, इवन मैं एक्सेल बना के देता हूँ। एक्सेल में आपको क्या करना है, हर एक पीस की साइज डालना है, स्टॉक साइज निकल के डालना है, मेटेरियल की प्राइस डाल देना है, बस आपकी निकल के कॉस्टिंग, और कुछ नहीं करना है आपको। इतना चीज़ें मैं सिखाता हूँ, हर एक चीज का बोम निकालना, कितना मशीन टनेज निकालना होती है, इवन मैं 15-20 मशीन के ना टनेज भी दे रखा हूँ, 120 टन के लिए इतना साइज आएंगे, इसके कितना क्लैंपिंग होगा, इसकी डेलाइट कितना है, डिटेल दे रखा हो यार, इस तरीके से मैं करवाता हूँ। सर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और लाइक वगैरह कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कभी कुछ चीज़ें पूछना हो तो बेझिझक पूछ सकते हो, और मेरा नंबर ऑलरेडी मैंशन है, जिसको भी ट्रेनिंग वगैरह सही है वो नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कि वो ट्रेनिंग नंबर है, जिसको भी ट्रेनिंग ले रहा है, और जो भी जेनुइन बंदे हैं जिसको भी ट्रेनिंग सीखना है सही डिटेल में सीखना है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।